नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एमनेस। दिल्ली शराब घोटाले मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाईकोर्ट से झटका लगा है। अदालत ने ईडी द्वारा गिरफ्तारी और हिरासत को चुनौती देने वाली उनकी याचिका खारिज कर दी है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार और केजरीवाल के बीच का मामला नहीं है, बल्कि ईडी और उनके बीच का मामला है। उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एजेंसी ने गिरफ्तार किया है। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं दिया जा सकता है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत है। जांच में पूछताछ से मुख्यमंत्री को छूट नहीं दी जा सकती। जज कानून से बंधे हैं, ना कि राजनीति से। दिल्ली हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर कहा कि ईडी ने अपनी दलील में कहा कि याचिकाकर्ता इस पूरे मामले में शामिल है। इस मामले में कई बयान दर्ज किए गए, जैसे राघव मुंगटा और शरत रेड्डी का बयान। अरविंद केजरीवाल की ओर से अपनी याचिका में सरकारी गवाहों के बयान पर सवाल खड़े किए गए थे। इस पर हाईकोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अप्रूवर का बयान ईडी नहीं बल्कि कोर्ट लिखता है। अगर आप उस पर सवाल उठाते हो तो इसका मतलब है कि आप जज पर सवाल उठा रहे हैं, आप कोर्ट पर सवाल उठा रहे हैं। रेड्डी के बयान को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। केजरीवाल के पास ये अधिकार है कि वह गवाहों को क्रॉस करे, लेकिन निचली अदालत में, ना कि हाईकोर्ट में। जांच किसी व्यक्ति के सुविधा के अनुसार नहीं चल सकती। जांच के दौरान एजेंसी किसी के घर जा सकती। आपको यह भी बताता चलूं कि दिल्ली शराब नीति घोटाला का केस जो ट्रायल है, वो ट्रायल कोर्ट रॉज एवेन्यू कोर्ट है जहां पे ये चल रहा है, जो कि बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका को ट्रायल कोर्ट रॉज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दिया है। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल ने याचिका में अपनी गिरफ्तारी और फिर ईडी रिमांड को असंवैधानिक बताया था। प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया था। जांच एजेंसी ने केजरीवाल को एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सरगना बताया है। इससे पहले केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान दलील दी थी कि सीएम की तत्काल गिरफ्तारी की कोई जरूरत नहीं थी। केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर सवाल उठाया है और कहा है कि यह लोकतंत्र, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव और लेवल प्लेइंग फील्ड समेत संविधान का उल्लंघन बताया है। वहीं ईडी ने कहा था कि केजरीवाल ही शराब घोटाले के मुख्य साजिश करता है। ईडी ने याचिका के विरोध में दलील दी है कि केजरीवाल आगामी चुनाव के आधार पर गिरफ्तारी से छूट का दावा नहीं कर सकते। कानून उन पर और आम आदमी पर समान रूप से लागू होता है। इस मामले में हाईकोर्ट पहले ही जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय से जवाब तलब कर चुका है और सुनवाई में दोनों पक्षों की दलीलें भी सुन चुका है। केजरीवाल की दूसरी याचिका पर भी आज ही फैसला आना है। रॉज एवेन्यू कोर्ट से केजरीवाल की उस याचिका पर फैसला आएगा जिसके जरिए उन्होंने अपने वकील से मिलने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की है। केजरीवाल ने मांग की है कि एक हफ्ते में वकीलों से 5 बार मुलाकात की जाने की परमिशन दी जाए। अभी तक सिर्फ 2 बार ही मुलाकात हो पाती है। इसके पीछे का उनका तर्क था कि मेरे ऊपर, यानी केजरीवाल के ऊपर, बहुत सारे केस हैं जो अन्य अलग अलग राज्यों में है और सभी जगह एक नहीं अलग अलग वकील हैं। तो हम चाहते हैं कि ये सारे केस को निपटारा करने के लिए जो भी वकील है वो मुझसे मिलने आए, तो थोड़ा उन्हें वक्त ज्यादा दिया जाए और वकील की संख्या ज्यादा है तो इसलिए हफ्ता में 2 दिन से बढ़ाकर इसको 5 दिन कर दिया जाए। तो वहीं शराब नीति मामले में ही अब ईडी ने आपके विधायक दुर्गेश पाठक और केजरीवाल के निजी सचिव रहे विभव कुमार पर शिकंजा कसा है। सोमवार शाम दुर्गेश पाठक से करीब 4 घंटे तक पूछताछ हुई। उसके बाद पाठक ने कहा कि जब तक जिंदा है वह अपने लोगों के लिए काम करते रहेंगे। ये लड़ाई बहुत लंबी है, इस तरह की कठिनाइयां आती जाती रहेंगी। आपने दुर्गेश पाठक से ईडी के पूछताछ पर सवाल उठाए हैं। मंत्री आतिशी ने कहा कि ये चुनाव प्रचार से आपको रोकने की बीजेपी की साजिश है। बीजेपी ने भी पलटवार किया और कहा कि आप नेता खुद ही अपने नेताओं के नाम बता रहे हैं। दरअसल यह शराब नीति घोटाला मामला साल 2021-22 का है। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने एक साइज पॉलिसी तैयार करने और क्रियान्वित करने में कथित भ्रष्टाचार किया है। उपराज्यपाल ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से ईडी भी इसमें इंटर हो गई। इस बीच दिल्ली की आप सरकार ने इस पॉलिसी को रद्द कर दिया था। आइए अब जरा विस्तार से समझते हैं कि यह पूरा मामला क्या है। दिल्ली की अबकारी नीति 2021-22 में शराब कारोबारियों को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने और बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार पर है। शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया और इसी केस में
केजरीवाल से पहले उनके दाएं हाथ कहे जाने वाले मनीष सिसोदिया और बाएं हाथ कहे जाने वाले संजय सिंह को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। दोनों लंबे समय से जेल में बंद हैं। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच सवाल उठते हैं कि आखिर शराब घोटाला क्या है, नई शराब नीति क्या थी, इसमें किस तरह के भ्रष्टाचार के आरोप हैं, आप नेताओं पर क्या आरोप है जिसकी वजह से उनकी गिरफ्तारी हुई है। आइए जानते हैं सभी सवालों का जवाब। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने दिल्ली में नई शराब नीति लागू की थी। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए। हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से कुल मिलाकर 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इसके पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% प्राइवेट थी। नई नीति लागू होने के बाद 100% प्राइवेट हो गई। सरकार ने तर्क दिया कि इससे 3,500 करोड़ रुपए का फायदा होगा, लेकिन यह पॉलिसी दिल्ली सरकार के लिए आफत बन गई। शराब घोटाले का खुलासा 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट से हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की। इसके बाद सीबीआई ने 17 अगस्त 2022 को केस दर्ज किया। इसमें पैसों की हेराफेरी का आरोप भी लगा, इसलिए मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया। मुख्य सचिव ने अपनी रिपोर्ट में मनीष सिसोदिया पर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था। मनीष सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था। आरोप लगाया गया कि नई नीति के जरिए लाइसेंसधारी शराब कारोबारियों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया है। दिल्ली सरकार पर आरोप लगा कि सरकार की नई नीति से राजस्व में भारी कमी हुई। पहले जहां 750 ml की एक शराब की बोतल 530 रुपए में मिलती थी, उस बोतल पर रिटेल कारोबारी को 33 रुपए 35 पैसे का मुनाफा होता था, जबकि 223 रुपए 89 पैसा उत्पाद कर और 106 रुपए वैट के रूप में सरकार को मिलता था। इस हिसाब से सरकार को हर बोतल पर 329 रुपए 89 पैसे का फायदा होता था। सरकार की नई नीति आने के बाद 750 ml की बोतल का दाम 530 रुपए से बढ़ाकर 560 रुपए कर दिया गया। इससे रिटेल कारोबारी का मुनाफा 33 रुपया 35 पैसा से बढ़कर सीधे 363 रुपया 27 पैसा हो गया, यानी रिटेल कारोबारियों को सीधे 10 गुना का फायदा होने लगा। वहीं सरकार को मिलने वाला 329 रुपया 89 पैसे का फायदा घटकर 3 रुपया 78 पैसा रह गया। इसमें 1 रुपया 88 पैसे उत्पाद शुल्क और 1 रुपया 90 पैसा वैट भी शामिल है। सरकार ने लाइसेंस की फीस भी कई गुना बढ़ा दी। जिस L1 लाइसेंस के लिए पहले ठेकेदारों को 25 लाख रुपए देना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसके लिए ठेकेदारों को 5 करोड़ रुपए चुकाने पड़े। इसी तरह अन्य कैटेगरी में भी लाइसेंस की फीस में बढ़ोतरी की गई। नई शराब नीति से जनता और सरकार दोनों को नुकसान होने का आरोप लगा है। वहीं बड़े शराब कारोबारियों को फायदा होने की बात कही जा रही है। भारतीय जनता पार्टी का यही आरोप है कि तीन तरह से घोटाले की बात सामने आ रही है। इसे समझने के लिए हम थोड़ा आंकड़ों पर नजर डाल लेते हैं। शराब बिक्री के लिए ठेकेदारों को लाइसेंस लेना पड़ता है। इसके लिए सरकार ने लाइसेंस शुल्क तय किया है। सरकार ने कई तरह के कैटेगरी बनाई है। इसके तहत शराब, बियर, विदेशी शराब आदि को बेचने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। अब उदाहरण के लिए, पहले जिस लाइसेंस के लिए ठेकेदार को 25 लाख रुपए का भुगतान करना पड़ता था, नई शराब नीति लागू होने के बाद उसी के लिए 5 करोड़ रुपए देने पड़े। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। विपक्ष का आरोप यह भी है कि इसके एवज में आपके नेताओं और अफसरों को शराब माफियाओं ने मोटी रकम घूस के तौर पर दी। सरकार बता रही है कि फायदे का सौदा, लेकिन सरकार का तर्क है कि लाइसेंस फीस बढ़ाने से सरकार को एक मुश्त राजस्व की कमाई हुई है। इससे सरकार को जो उत्पाद शुल्क और वैट घटाया उसकी भरपाई हो गई है। दिल्ली के शराब नीति केस में अब तक पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, कारोबारी विजय नायर, अभिषेक बोइनपल्ली और आपके राज्यसभा सांसद संजय सिंह भी अरेस्ट हो चुके हैं। इस केस में मनीष सिसोदिया को 26 फरवरी 2023 को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। तब से वह तिहाड़ जेल में है। शराब नीति घोटाले में संजय सिंह का नाम पहली बार दिसंबर 2022 में सामने आया था। तब ईडी ने चार्जशीट में कारोबारी दिनेश अरोड़ा के बयान के हिस्से के रूप में आप नेता के नाम का उल्लेख किया था। दिल्ली शराब नीति घोटाला केस में प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने बीआरएस नेता और केसीआर की बेटी
के कविता को भी गिरफ्तार किया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने पिछले साल 2 नवंबर को पहला समन भेजा था। ये समन प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। ईडी की ओर से जारी चार्जशीट में आरोप है कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-22 तैयारी की जा रही थी, उस वक्त केजरीवाल आरोपियों के संपर्क में थे। ईडी ने दावा किया कि अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और के कविता समेत अन्य नेताओं ने दिल्ली के शराब नीति में एक साजिश रची थी। कारोबारी शरत रेड्डी, मगुंटा श्रीनिवासा सुलू रेड्डी और के कविता वाले एक साउथ ग्रुप को अबकारी नीति 2021-22 के तहत दिल्ली में 32 में से 9 जोन मिले थे। इस नीति के तहत दिल्ली सरकार ने होलसेल शराब कारोबारियों के लिए प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ाकर 12% और रिटेल के लिए 185% कर दिया गया। ईडी का आरोप है कि साजिश के तहत 12% प्रॉफिट में से 6% होलसेलर से रिश्वत के रूप में आप नेताओं ने वापस लिया। ईडी की ओर से दावा किया गया कि इस मामले में भारत राष्ट्र समिति यानी कि बीआरएस की नेता के कविता के अकाउंटेंट बूची बाबू के बयान भी दर्ज किए। बूची बाबू ने बयान दिया कि के कविता, केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बीच पहले से इस संबंध में बात हो चुकी थी। यही नहीं, इसे लेकर के कविता ने मार्च 2021 में विजय नायर से मुलाकात भी की थी। ईडी ने उनके खिलाफ इस मामले में चार्जशीट दायर की है। ये चार्जशीट केजरीवाल के करीबी विजय नायर के द्वारा किए गए 100 करोड़ रुपए के रिश्वत और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के सचिव सी अरविंद के बयान के आधार पर दायर की गई है। हालांकि सीएम केजरीवाल ने ईडी के चार्जशीट को बेबुनियादी बताया है। शराब घोटाले में आरोपी विजय नायर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के करीबी हैं। वहीं सी अरविंद के बयान में केजरीवाल के मिलीभगत होने की बात सामने आई है। आखिर ये विजय नायर और सी अरविंद कौन है जिनके बयान के आधार पर ईडी ने केजरीवाल पर शिकंजा कसा है? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने जो चार्जशीट दायर की है उसमें विजय नायर नाम भी शामिल है। विजय नायर ने ही कथित तौर पर पूरे शराब घोटाले को अंजाम दिया। विजय नायर लंबे समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हैं। वो कोई पार्टी के सामान्य कार्यकर्ता नहीं है, बल्कि वो सीएम केजरीवाल के काफी करीबी माने जाते हैं। ईडी के मुताबिक विजय नायर केजरीवाल के सबसे करीबी लोगों में से एक थे और कई बार उनके ऑफिस में आना जाना था। वह विजय नायर ही थे जिन्होंने शराब घोटाले मामले में मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू से केजरीवाल की बात कराई थी। समीर महेंद्रू ने भी इस बारे में ईडी को बताया था कि पहले विजय नायर ने ही केजरीवाल से उनकी मीटिंग तय की थी, लेकिन जब बात नहीं बन पाई तो फिर फेस टाइम कॉल पर बात कराई थी। तब केजरीवाल ने समीर महेंद्रू को भरोसा दिलाया था कि विजय नायर उनका ही बच्चा है और वह उस पर भरोसा कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक केजरीवाल से मिली सह के बाद समीर महेंद्रू को विजय नायर के कद का पता चला और उसे यह भरोसा हो गया कि खुद केजरीवाल समेत पार्टी के एन बड़े नेताओं का विजय नायर को समर्थन मिला हुआ है। अब थोड़ा समीर महेंद्रू के बारे में भी जान लेते हैं। समीर महेंद्रू वह देश के शराब के चर्चित कारोबारियों में से एक हैं। समीर महेंद्रू इंडो स्पिरिट कंपनी के महानिदेशक हैं। समीर महेंद्रू 10 साल पहले एक अन्य मामले में सीबीआई के गवाह भी रह चुके हैं। उन्होंने दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अधिकारियों के साथ सीबीआई को गवाही दी थी। दिल्ली शराब घोटाले में उनका भी नाम उछला है। वह साउथ ग्रुप से जुड़े रहे हैं। दोस्तों, साउथ ग्रुप एक ऐसा ग्रुप है जो कि दक्षिण के नेताओं के एक समूह है। इस समूह से जुड़े लोग आपस में मिलकर बड़े स्तर के या यूं कहें कि होलसेल में शराब का व्यापार करते हैं। यही समूह बाद में साउथ ग्रुप यानी कि दक्षिण समूह के रूप में लोकप्रिय हो गया है। समीर महेंद्रू को दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और अबकारी मंत्री रहे मनीष सिसोदिया का करीबी व्यक्ति माना जाता है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने उन पर आरोप लगाया कि समीर महेंद्रू ने ही सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा की कंपनी राधा इंडस्ट्री को 1 करोड़ की रकम ट्रांसफर की थी। मनीष सिसोदिया के करीबी दिनेश अरोड़ा के पास मैनेजमेंट कंपनी है। महेंद्रू पर आरोप यह भी है कि दिल्ली शराब घोटाला मामले में सिसोदिया के करीबी अर्जुन पांडे ने भी उनसे रकम ली है। अर्जुन पांडे समीर महेंद्रू और उनके एक दोस्त से लगभग 2 से 4 करोड़ रुपए लिए थे। दिल्ली शराब घोटाला से जुड़े अफसरों को पैसे दिए थे। दिल्ली शराब नीति मामले में नामजद आरोपियों में गिरफ्तार होने वाले विजय नायर पहले आरोपी थे। विजय नायर एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ रहे हैं। शराब कांड में उनसे सबसे पहले सीबीआई पूछताछ कर चुकी है। पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार भी किया गया था।
ANI ने बताया कि उन्हें साजिश, कार्टेलाइजेशन और चयनित लाइसेंसिंग के लिए गिरफ्तार किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार ही केजरीवाल के खिलाफ दायर चार्जशीट में दानिक्स अधिकारी सी अरविंद द्वारा दिए गए बयान का भी जिक्र है। दानिक्स अधिकारी यानी कि दिल्ली और अंडमान निकोबार द्वीप समूह सिविल सर्विसेज, ये एक खास कैडर होता है जिसमें केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक अधिकारियों के तैनाती की जाती है। इस कैडर के सी अरविंद दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के सचिव थे। दरअसल दानिक्स अधिकारी के बारे में ऐसे भी समझा जा सकता है कि यह भारत सरकार की ग्रुप बी की सिविल सेवा है। इस सेवा में अधिकारियों का चयन सीधे सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से होता है। इसके अधिकारी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्र शासित प्रदेशों की विभिन्न प्रशासनिक कार्यों में तैनात होते हैं। इस मामले में गिरफ्तार दिनेश अरोड़ा ने ईडी को बताया था कि उसने केजरीवाल से उनके आवास पर मुलाकात की थी। उसने बताया कि YSR कांग्रेस के सांसद मंगुट्टा श्रीनिवालुसुलु रेड्डी और केजरीवाल के बीच कई मीटिंग भी हुई थी। इसके बाद ही सीएम केजरीवाल ने दिल्ली के शराब कारोबार में रेड्डी की एंट्री का स्वागत किया था। ईडी ने दावा किया कि सी अरविंद ने शराब घोटाले को लेकर बयान रिकॉर्ड किया है। इस बयान में उन्होंने बताया कि सीएम केजरीवाल के आवास पर हुई बैठक में सिसोदिया ने उन्हें नई शराब नीति का मसौदा सौंपा। इस बैठक में मंत्री सत्येंद्र जैन भी मौजूद थे। इसी बैठक में ये भी तय किया गया कि नई शराब नीति को कब से लागू करना है। उम्मीद है कि आपको दिल्ली शराब नीति घोटाला यानी कि दिल्ली लिकर स्कैम समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी घटनाक्रम में आगे बढ़ते हैं। 21 मार्च साल 2024 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी गिरफ्तार करती है और अगले दिन रोज एवेन्यू कोर्ट दिल्ली में पेश करके रिमांड पर लेती है। फिर कुछ दिनों के बाद दोबारा से रिमांड मांगती है और मिल भी जाता है, जो कि उन्हें 1 अप्रैल 2024 तक के लिए मिलता है। और 1 अप्रैल 2024 को शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल की रिमांड खत्म होने पर उन्हें कोर्ट में पेश करते हुए ईडी ने कुछ चौंकाने वाले दावे किए। ईडी ने कोर्ट को बताया कि सीएम केजरीवाल जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं और सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं। दिल्ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को रॉज एवेन्यू कोर्ट 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। ईडी ने इसके साथ ही दावा किया कि जांच अधिकारियों ने जब आप प्रमुख केजरीवाल से इस मामले के आरोपी विजय नायर का नाम लेकर सवाल किया तो उन्होंने नायर से कोई संबंध नहीं होने की बात कही है। ईडी ने कोर्ट को बताया कि इस केस के मुख्य आरोपी विजय नायर का बयान दिखाने पर केजरीवाल ने कहा कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज जो कि आपके सरकार में मंत्री है को रिपोर्ट करते थे, उनसे यानी कि अरविंद केजरीवाल से विजय नायर का इंटरेक्शन बहुत कम था। कोर्ट में ईडी की तरफ से पेश एएसजी ने जैसे ही आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया तो दोनों चौंक गए, क्योंकि सौरभ भारद्वाज और आतिशी उस वक्त रॉज एवेन्यू कोर्ट में ही मौजूद थे। ईडी के मुताबिक खुद विजय नायर यह कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था, सीएम कैंप ऑफिस से वो काम करता था। इस पर केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है इसकी डायरेक्ट उन्हें जानकारी नहीं रहती। ईडी ने कोर्ट को बताया कि विजय नायर आप पार्टी का कोई मामूली वॉलंटियर नहीं बल्कि मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता पेश हुए, जबकि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यानी एएसजी एसवी राजू ने दलीलें दी। ईडी ने केजरीवाल को जेल भेजने के रिमांड नोट में लिखा कि अरविंद केजरीवाल को कस्टडी के दौरान दूसरे आरोपियों और उनके स्टेटमेंट से कन्फ्रंट कराया गया पर अरविंद केजरीवाल ने जांच में सहयोग नहीं किया। इसके बाद एएसजी राजू ने न्यायिक हिरासत की मांग करते हुए कहा कि हम रिमांड नहीं चाहते। कोर्ट ने इसके बाद सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दूसरी ओर 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने आपके वरिष्ठ नेता एवं सांसद राज्यसभा सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया कि संजय सिंह को जमानत पर रिहा किया जाता है।
पीठ ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी को संजय सिंह को जमानत पर रिहा किए जाने पर कोई आपत्ति नहीं है। हालांकि पीठ ने कहा कि उन्हें ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए जाने वाले नियमों और शर्तों पर रिहा किया जाएगा। शीर्ष अदालत की पीठ ने कहा कि संजय सिंह राजनीतिक गतिविधियां जारी रख सकते हैं। संजय सिंह की जमानत से जुड़ी सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर की सत्यापित कॉपी रॉज एवेन्यू कोर्ट को कावेरी बावेजा की कोर्ट में जाएगी, जहां पर दिल्ली शराब घोटाले मामले का ट्रायल चल रहा है। वहां पर संजय सिंह का रिलीज ऑर्डर बनेगा और बेल बॉन्ड भरा जाएगा, यानी कि ये सब कुछ हो चुका है और संजय सिंह जो है कि ऑलरेडी बाहर भी आ चुके हैं। तो वही बात करें कि दिल्ली शराब नीति मामले में एक अन्य एवं महत्वपूर्ण आरोपी मनीष सिसोदिया के जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए रॉज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान मनीष सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में दलील दी कि जांच एजेंसी यह साबित नहीं कर पाई है कि पैसा मुझ तक पहुंचा। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ जांच पूरी हो चुकी है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने जांच एजेंसी से कहा था कि 6 महीने में जांच पूरी कर लें। सिसोदिया के वकील ने कहा कि मुकदमे में देरी के लिए सिसोदिया जिम्मेदार नहीं है, मैंने कभी भी मुझे दी गई स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं किया है। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिसोदिया 13 महीने से हिरासत में है और जमानत के लिए ट्रिपल टेस्ट में खरा उतरता हूं। साथ ही मनीष सिसोदिया को लेकर के उन्होंने कहा, मैं अब प्रभावशाली नहीं हूं, अब मैं डिप्टी सीएम नहीं हूं। आपको जैसा कि ज्ञात ही होगा कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी सरकार में डिप्टी सीएम के साथ साथ पीडब्ल्यूडी शिक्षा मंत्रालय आबकारी विभाग और अन्य मंत्रालय संभाल रहे थे। रॉज एवेन्यू कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर 6 अप्रैल को अगली सुनवाई होनी थी, जिसमें उनका जमानत के लिए दी गई अर्जी खारिज कर दिया गया। तो वहीं केजरीवाल ने जेल में समय बिताने के लिए 3 किताबें भगवत गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड के लिए एक आवेदन दायर किया था, जिसे कोर्ट ने मंजूर भी कर लिया। दोस्तों, ज्यादातर लोगों को भगवत गीता और रामायण के बारे में तो पता है, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि एक तीसरी किताब की मांग अरविंद केजरीवाल द्वारा जो किया गया है, हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड, इस किताब में आखिर ऐसा क्या है, आइए इसके बारे में भी समझते हैं। इस किताब को पत्रकार नीरजा चौधरी ने लिखा है, जिसमें प्रधानमंत्री कैसे निर्णय लेते हैं के बारे में लिखा गया है। इस किताब में भारत के 6 प्रधानमंत्रियों ने कैसे बड़े फैसले लिए हैं, इस पर यह किताब बात करती है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नाम से लिखी गई किताब में पूरी प्रक्रिया के बारे में बात की गई है, जिसमें प्रधानमंत्री की स्थिति और मनस्थिति पर गहन से लेखिका ने बताया है। इस किताब में लेखिका नीरजा चौधरी ने भारत के प्रधानमंत्रियों के फैसलों पर बहुत बारीकी से बात की, आखिर कैसे उन्होंने अपने फैसलों से देश के इतिहास की दिशा बदल दी। पत्रकार और राजनीतिक टिप्पणीकार नीरजा चौधरी की यह पुस्तक समाचार सुर्खियों से परे जाकर यह बताती है कि आखिर स्वतंत्र भारत में कैसे कुछ सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक निर्णय लिए गए थे। लेखिका ने 1980 और 2014 के बीच 6 प्रधानमंत्रियों द्वारा लिए गए 6 प्रमुख निर्णयों के बारे में बताया है। वहीं इस किताब में लेखिका ऐतिहासिक महत्व के 6 निर्णयों के चश्मे से देश के प्रधानमंत्रियों की कार्यशैली का विश्लेषण भी करती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो अच्छी किताब है, अगर समय और मौका मिले तो पढ़नी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कथित उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उनकी यानी अरविंद केजरीवाल की पहले से बढ़ाई गई ईडी की हिरासत समाप्त होने पर उन्हें रॉज एवेन्यू कोर्ट की जज कावेरी बावेजा के सामने पेश किया गया। सोमवार यानी कि 1 अप्रैल 2024 को भारी सुरक्षा के बीच सीएम केजरीवाल को कोर्ट में पेश किया गया था। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता विक्रम चौधरी और रमेश गुप्ता पेश हुए, जबकि ईडी की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ASG SV राजू ने दलीलें दी। तो वहीं ईडी का दावा है कि रिमांड के दौरान केजरीवाल ने कुछ महत्वपूर्ण खुलासे किए हैं। यह कुल 9 यानी कि 9 खुलासे किए गए हैं। पहला खुलासा, ईडी ने कोर्ट में दाखिल रिमांड कॉपी में दावा किया कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान कई अहम खुलासे किए हैं। ईडी ने इसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में कबूल किया कि विजय नायर, जो कि अरविंद केजरीवाल का करीबी बताया जा रहा है, वो उसका नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था, मेरी बहुत कम बातचीत होती थी। दूसरा खुलासा,
ईडी ने दावा किया कि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था। सीएम कैंप ऑफिस से वो काम करता था और इस पर केजरीवाल गोलमोल जवाब देकर कह रहे थे कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता है इतना उन्हें सीधे तौर पर जानकारी नहीं रहती। तीसरा खुलासा, विजय नायर आप पार्टी का कोई मामूली वॉलंटियर नहीं बल्कि पूरे मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। और चौथा खुलासा जो ईडी ने किया है वो है कि केजरीवाल को विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए गए जो कि उनके करीबी रिश्तों को दर्शाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। तो वहीं पांचवा खुलासा, अरविंद केजरीवाल को विजय नायर की अन्य आरोपी जैसे अभिषेक बोइन पिल्ले, दिनेश अरोड़ा और अन्य शराब कारोबारियों से करीब 10 मीटिंग की डिटेल्स दिखाई गई। फिर केजरीवाल से पूछा गया कि किसके इशारे या कहने पर किस कैपेसिटी में विजय नायर इन शराब कारोबारियों पर आरोपियों से नई शराब नीति को लागू करने को लेकर मीटिंग कर रहे थे, लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इसकी जानकारी होने से भी इनकार कर दिया। छठा खुलासा जो ईडी द्वारा किया गया वो है कि अरविंद केजरीवाल को गोवा इलेक्शन में इस्तेमाल 45 करोड़ रुपए की सीडीआर लोकेशन कॉल रिकॉर्ड गोवा की उस हवाला फर्म की आईटी डिक्लेरेशन उम्मीदवारों को दिए गए कैश की डिटेल यानी कि पूरा मनी ट्रेल दिखाया गया। साथ ही उस आप वर्कर के बयान भी दिखाए गए जिसके अकाउंट में हवाला के जरिए गोवा पहुंचा 45 करोड़ 2,20,340 रुपए इलेक्शन में इस्तेमाल के लिए अकाउंट में पहुंचा। इस पर ईडी ने दावा किया कि केजरीवाल ने इस पर कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया। वहीं सातवां खुलासा ईडी द्वारा किया गया कि केजरीवाल ने अपने पार्टी नेताओं के बयानों के उलट जवाब देते हुए उन्हें कंफ्यूज्ड करार दिया। वहीं आठवां खुलासा, आप पार्टी के नेता एनडी गुप्ता ने अपने स्टेटमेंट में कहा था कि चुनाव के दौरान किसी भी राज्य का कौन चुनाव प्रभारी होगा ये खुद पार्टी के संरक्षक यानी केजरीवाल तय करते हैं, जबकि केजरीवाल ने कहा कि वो कंफ्यूज हैं, वो पीएसी यानी कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी तय करती है जिसके मेंबर खुद एनडी गुप्ता हैं। वहीं नौवां और आखिरी खुलासा जो ईडी ने बताया, मतलब साफ है कि केजरीवाल ने ना तो किसी सवाल का सीधा जवाब दिया बल्कि पूछताछ में जब उनके पार्टी नेताओं के बयान दिखाए गए तो उल्टे उन्हें ही कंफ्यूज घोषित किया है। आम आदमी पार्टी के लिए शराब नीति केस गले का बड़ा फांस बन चुकी है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह जैसे आपके शीर्ष नेता इस मामले में पहले से ही जेल जा चुके हैं। वहीं प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी अब धन शोधन निवारण अधिनियम यानी पीएमएलए के तहत आम आदमी पार्टी को ही मुख्य आरोपी बनाने की तैयारी में है। ईडी की इस तरह की कार्रवाई से एजेंसी के लिए आपके खातों और संपत्तियों को कुर्क करने का रास्ता साफ हो जाएगा। ईडी के वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि कांग्रेस की तरह आपके भी बैंक खाते सीज किए जा सकते हैं, हालांकि दोनों ही मामलों में कारण अलग अलग हैं। आयकर विभाग ने जहां कांग्रेस के वित्तीय प्रबंधन में कथित विसंगतियां पाने के कारण उनका खाता सीज किया था, जबकि ईडी के मुताबिक आप पीएमएलए के तहत एक आरोपी है और ऐसे में निर्धारित प्रोटोकॉल के अनुसार कदम उठाते हुए एजेंसी उसकी संपत्ति और खातों को अटैच कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो विपक्षी इंडिया गठबंधन के दो बड़े दलों को पैसे की तंगी से जूझना पड़ सकता है। तो वहीं ईडी ने अरविंद केजरीवाल को बताया शराब घोटाले का किंग पिंग। जी हां, ईडी ने ग्राउंड फॉर अरेस्ट रिपोर्ट और रिमांड एप्लीकेशन में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति घोटाले के प्रमुख साजिशकर्ता और किंग पिंग के रूप में नामित किया है। किंग पिंग का मतलब क्या होता है? कोई व्यक्ति जो महत्वपूर्ण है, या इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि यदि आप अपने कार्यालय में सरगना है तो संभवतः आप बॉस भी हैं, यानी कि इस संबंध में क्या हो रहा है या आपको पता ना हो और साथ ही साथ आपकी मर्जी ना हो ऐसा हो ही नहीं सकता। तो वही मामले की जांच में शामिल एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी ने बताया कि निदेशालय मई तक आरोप पत्र दाखिल कर सकता है जिसमें केजरीवाल और बीआरएस नेता के कविता के अलावा 5 अन्य लोगों को भी आरोपी बनाया जाएगा। प्राप्त जानकारी के मुताबिक ईडी ने 5 हवाला ऑपरेटरों के माध्यम से दिल्ली से गोवा तक 45 करोड़ रुपए से भी अधिक मनी ट्रेल की कड़ियां जोड़ ली है। इनकी बयान दर्ज करने के साथ ही उनकी जांच भी कर ली गई है। एजेंसी की जीएफए रिपोर्ट ऑफ रिमांड एप्लीकेशन में कहा गया है कि आप यानी आम आदमी पार्टी पर कथित अपराध की आय से गोवा में अपने चुनावी अभियान की फंडिंग का आरोप है।
बताया जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय के पास हवाला ऑपरेटर्स और स्थानीय कारोबारियों के बीच हुई चैट और मैसेज का डिटेल भी है। उन्होंने कथित तौर पर गोवा चुनाव के दौरान प्रचार अभियान के लिए पेमेंट प्राप्त किया था। ईडी अधिकारी ने कहा, उनके बीच बातचीत के डिटेल से पता चलता है कि पैसा हवाला चैनलों के जरिए दिल्ली से गोवा तक पहुंचा। यहां कुछ पेमेंट नगद और कुछ चेक के रूप में किया गया था। हमने गिरफ्तारी के लिए आधार और रिमांड आवेदन में इसकी पूरी डिटेल दी है। आरोप पत्र के साथ और भी बहुत से सबूत दस्तावेज में संलग्न किए जाएंगे। वहीं ईडी के एक वरिष्ठ वकील के अनुसार, ईडी तय कानून के अनुसार अपराध की आय को अटैच कर सकता है। जांच से पता चला कि गोवा में चुनाव प्रचार और अन्य राजनीतिक गतिविधियों के फंडिंग के लिए इस्तेमाल किया गया पैसा शराब नीति घोटाले से आया था, जिसकी पिछले 2 वर्षों से जांच चल रही है। यह भी स्थापित किया गया है कि आपके नेतृत्व वाली सरकार द्वारा नीति निर्माण और संबंधित कार्रवाइयां पीएमएलए के तहत आती है और ये संज्ञेय अपराध है। एक अन्य वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि पीएमएलए की धारा 70(1) के तहत जिस पार्टी ने अपराध की आय का आनंद लिया या इस्तेमाल किया, उसकी संपत्ति पीएमएलए की प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। वह बताते हैं कि इस अधिनियम को उल्लंघन का दोषी माने जाने पर उसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए दंडित किया जाएगा। प्रवर्तन निदेशालय की कस्टडी खत्म होने के बाद दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। दिल्ली शराब घोटाले के मामले में अरेस्ट हुए सीएम की ईडी ने आगे कस्टडी की मांग नहीं की, जिसके बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजने का निर्णय लिया गया। सीएम तिहाड़ के जेल संख्या 2 में रहेंगे, यहीं से वो दिल्ली सरकार भी चलाएंगे। सीएम से पहले जेल संख्या 2 में आम आदमी पार्टी के ही सीनियर लीडर संजय सिंह को रखा गया था। अरविंद केजरीवाल के लिए यहां जगह बनाने के लिए जेल प्रशासन ने संजय सिंह को अब जेल संख्या 5 में शिफ्ट कर दिया था। सीएम इस सेल में अकेले रहेंगे। दिल्ली के इस शराब नीति घोटाला मामले में तिहाड़ जेल में मौजूदा समय में 4 आरोपी अलग अलग बैरक में बंद हैं। पहले मनीष सिसोदिया, फिर संजय सिंह जिन्हें की अभी जमानत मिल गई है, और के कविता, और अब केजरीवाल को तिहाड़ भेज दिया गया है। तिहाड़ जेल की जिस बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है, उसमें कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह बंद थे। तिहाड़ का नाम सुनते ही ऊंची ऊंची दीवारों, कंटीले तारों और हर तरफ पुलिस वालों से घिरी एक ऐसी जगह की तस्वीर जहन में उभरती है जहां कोई नहीं जाना चाहता। यही वो जेल है जहां देश के एक से बढ़कर एक छठे हुए खूंखार बदमाश रहते हैं। अब इसी तिहाड़ के जेल नंबर 2 की बैरक में अरविंद केजरीवाल बंद है। केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में 15 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। सोमवार 1 अप्रैल 2024 को शाम के 4:13 पर अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ में कदम रखा। इसी के साथ 15 अप्रैल तक अरविंद केजरीवाल का नया पता तिहाड़ जेल नंबर 2 हो गया है। तिहाड़ जेल की जिस बैरक नंबर 2 में अरविंद केजरीवाल को रखा गया है, उसमें कुछ दिनों पहले तक आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह बंद थे, लेकिन फिर उन्हें जेल नंबर 5 में शिफ्ट कर दिया गया। वहीं मनीष सिसोदिया को जेल नंबर 1 में रखा गया। इसके अलावा इसी केस में चौथी आरोपी के कविता लेडी जेल नंबर 6 में रखा गया है। केस में एक और आरोपी विजय नायर जेल नंबर 4 में बंद है। वहीं मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को तिहाड़ जेल की 7 नंबर जेल में रखा गया है। सभी आरोपियों की जेल अगल बगल है, लेकिन कोई भी एक दूसरे से नहीं मिल सकेगा। उम्मीद कम ही है कि अंदर इनकी कोई बैठक हो पाएगी, क्योंकि एक ही दीवार के पीछे होते हुए भी सभी जुदा होंगे। केजरीवाल ने इसके अलावा जेल में मिलने के लिए उन्होंने 6 लोगों के नाम दिए हैं। नियमों के मुताबिक जेल में जाने वाला कोई भी कैदी 10 लोगों के नाम जेल प्रशासन को दे सकता है, जिनसे वो जेल में रहते हुए मुलाकात करना चाहते हैं। इस कड़ी में केजरीवाल ने अभी तक सिर्फ 6 लोगों के नाम तिहाड़ जेल के प्रशासन को लिखवाए हैं। नियम यह भी कहता है कि कैदी द्वारा जो भी नाम दिए जाते हैं, वह उन्हें अपने हिसाब से बाद में बदलवा भी सकता है। केजरीवाल ने दिए ये 6 नाम, जिसमें कि पहला उनकी पत्नी सुनीता, दूसरा उनका बेटा पुलकित, तीसरा उनकी बेटी हर्षिता, वहीं चौथा उनके एक दोस्त है संदीप पाठक, वहीं पांचवा जो है उनके पीए विभव कुमार, और छठा एक और कोई दोस्त है। हफ्ते में 2 वीडियो कॉल कर सकेंगे। केजरीवाल ने सोमवार की शाम को जेल में घर का खाना खाया। वो हफ्ते में 2 वीडियो कॉल कर सकते हैं और साथ ही साथ 5 मिनट की एक नॉर्मल कॉल रोज केजरीवाल कर सकते हैं। ये कॉल रिकॉर्ड होती है। जेल प्रशासन के जरिए अपने परिवार या जिनका नाम उन्होंने जेल के रजिस्टर में दर्ज करवाया है, उसे रोजाना 5 मिनट नॉर्मल कॉल पर बात कर सकते हैं। केजरीवाल को कोर्ट के आदेश पर ये सुविधाएं दी जा रही है।
बता दें कि जिस जेल नंबर 2 की बैरक में केजरीवाल को रखा गया है वह लगभग 14 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी है। इसमें टॉयलेट भी है। बैरक में एक टीवी लगा है। सीमेंट का ऊंचा बनाया हुआ एक चबूतरा है जिस पर बिछाने के लिए एक चादर दी जाएगी और ओढ़ने के लिए कंबल और एक तकिया दिया गया है। इस बैरक में 2 बाल्टियां भी होंगी। एक बाल्टी में पीने का पानी रखा जाता है। एक बाल्टी को नहाने या कपड़ा धोने का पानी रखने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। साथ ही एक जग भी होगा। इसके अलावा उन्होंने स्पेशल डाइट टेबल, कुर्सी, दवाइयां, गद्दा, चादर, 2 तकिए, दरी और चश्मा भी उपलब्ध कराए जाने की मांग की थी। तिहाड़ की जेल नंबर 2 सजा याफ्ता कैदियों के लिए है। इस जेल में सजा पाए हुए कैदी रहते हैं। सजाए याफ्ता कैदियों को कहीं लाने और ले जाने का मुद्दा नहीं रहता, वो अपने बैरक में ही रहते हैं। इसलिए केजरीवाल की सुरक्षा के लिहाज से इस जेल को मुफीद माना गया है। जेल नंबर 2 में एक जनरल एरिया है, इसी में एक बैरक है, उसी में केजरीवाल को रखा गया है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षाकर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे और बैरक को 24 घंटे CCTV की निगरानी में रखा जाएगा। बता दें कि तिहाड़ जेल में कुल 9 अलग अलग जेल हैं, इनमें करीब 12,000 कैदी बंद है। जेल की दिनचर्या की बात करें तो सुबह सूरज निकलते ही कैदियों की सेल और बैरक को खोल दिया जाता है। सुबह नाश्ते में सुबह 6:30 बजे चाय और ब्रेड दिया जाता है। नहाने के बाद कैदी को अगर कोर्ट जाना हो या फिर मुलाकात करनी हो तो उसके लिए वह तैयार होता है। सुबह 10:30 बजे और 11 बजे के बीच खाने में दाल, सब्जी और 5 रोटी दी जाती है। वहीं जिस कैदी को रोटी नहीं खाना होता वो चावल ले सकता है। फिर दोपहर 12 से 3 बजे तक उन्हें वापस बैरक में बंद कर दिया जाता है। मेडिकल रिपोर्ट और डॉक्टरी सलाह पर कैदियों को उनकी सेहत के हिसाब से अलग अलग खाना मिलता है। इनमें घर का खाना भी शामिल हो सकता है। जेल सूत्रों के मुताबिक फिर 3 बजे कैदियों को बाहर निकालने के लिए बैरक का दरवाजा खोला जाता है। फिर 3:30 बजे चाय और 2 बिस्किट दिए जाते हैं। फिर 4 बजे अगर कोई वकील मिलना चाहे तो मिल सकता है। फिर 5:30 बजे रात का खाना दिया जाता है जिसमें दाल, सब्जी, 5 रोटी दी जाती है। इस समय भी जो कैदी रोटी खाना नहीं चाहता वह चावल ले सकता है। फिर 6:30 बजे या 7 बजे तक जब भी सूरज ढल जाता है तो सभी कैदियों को सेल में बंद कर दिया जाता है। सुबह 5 बजे से रात 11 बजे तक कैदी टीवी देख सकते हैं जिसमें 18 से 20 चैनल होते हैं। इनमें न्यूज, मनोरंजन, खेल आदि शामिल है। अगर किसी को जेल में कोई दिक्कत होती है तो हर समय डॉक्टर उपलब्ध रहते हैं। अब उम्मीद है कि आपको शराब नीति घोटाले से संबंधित घटनाक्रम है उसके बारे में सारी जानकारी डिटेल से मिल गई होगी और आप समझ गए होंगे कि यह घटना क्यों घटा और क्या अभी तक इसमें डेवलपमेंट हुए हैं। तो वहीं जेल से सरकार चलाने की प्रक्रिया पर तिहाड़ जेल के पूर्व अधिकारियों का बयान है कि यह बेहद चुनौतीपूर्ण होगा। CM के साथ एक निजी स्टाफ होना चाहिए। अब तक दिल्ली में कुल 16 जेलें हैं और उनमें से किसी में भी ऐसी कोई सुविधा नहीं है जहां से मुख्यमंत्री पद चलाया जा सके। इसके लिए सारे नियम तोड़ने पड़ते हैं। कोई भी इतने सारे नियम तोड़ने की इजाजत तो देगा नहीं। सरकार चलाने का मतलब सिर्फ फाइलों पर हस्ताक्षर करना नहीं है। सरकार चलाने के लिए कैबिनेट की बैठकें बुलाई जाती है, मंत्रियों से सलाह ली जाती है और बहुत सारा स्टाफ होता है। LG के साथ बैठकें या टेलीफोन पर बातचीत होती है। जेल में टेलीफोन की सुविधा नहीं है। जनता अपनी शिकायतों के निवारण के लिए एक CM से मिलने आती है। जेल में CM कार्यालय बनाना असंभव है। जेल में कैदी हर दिन 5 मिनट के लिए अपने परिवार से बात कर सकते हैं और यह सब रिकॉर्ड भी किया जाता है। उम्मीद है अरविंद केजरीवाल जी अपने इस फैसले पर फिर से विचार करेंगे जिससे दिल्ली वासियों को ज्यादा परेशानी ना हो। उम्मीद है दोस्तों आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।